मैं लारुख महानीम टोडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ सी एन एस फार्माकॉलोजी तो सी एन एस फार्माकॉलोजी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है आज हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर करने वाले हैं तो सी एन एस फार्माकोलॉजी के अंदर आपको ये चैप्टर्स नज़र आते हैं इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ये चैप्टर सी एन एस फार्माकोलॉजी के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टर्टीन तकरीबन थर्टीन से लेकर फोर्टीन चैप्टर बनते हैं जो सी एन एस फार्माकोलॉजी के अंदर आपने मिनी कैटरिंग से करने हैं लेकिन सारे चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से ऐसे क्यों ज़्यादा आ रही है तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से करना है और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो माइंड हैं और इन पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना तो पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का बता देता हूँ तो उसके जो चैप्टर नंबर ट्वेंटी हिप्नोटिक ड्रग ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए जा रहा है कि बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी वो एक बेंजोडाइजेपिन को उठा लेता है जैसे डाइजिपाम हो गया इसका क्लिनिकल यूज़ बताओ आप इसकी टॉक्सिसिटी बताओ <clears throat>

के हाले से इंपॉर्टेंट है चाहे वो सी के अंदर हो चाहे ये ए के अंदर हो तो दोनों केस में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है ठीक हो गया इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो होता है पार्किंसन वाला कि पार्किंसन को ठीक करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनकी टॉक्सिसिटी उनके क्लिनिकल यूज़ ठीक हो गया इसके बाद एंटी साइकोटिक यानी जो शीजोफ्रीनिया को ट्रीट करने के लिए शीजोफ्रीनिया को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती है एंटी साइकोटिक फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ठीक हो गया ए टिपिकल टिपिकल और इसके बाद है एंटी डिप्रेसेंट वाला चैप्टर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो जो चैप्टर मैंने आपको इंटरलाइन करवाया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन चैप्टर को आप मेजर चैप्टर्स ऑफ सी एन एस फार्माकोलॉजी कह सकते हैं और तो बाकी चैप्टर्स इसका मतलब बाकी चैप्टर्स थोड़े माइनर है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स को आपने करना नहीं है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पास पेपर्स में से इन्हीं चैप्टर्स में से मोस्टली ऐसे आते हैं और रिमेनिंग चैप्टर को आपने सेलेक्टिव करना होगा इसमें से इसमें से कंप्लीट नहीं करना होगा बाकी चैप्टर्स को बल्कि उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें करनी होगी ठीक हो गया तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि सी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर्स थोड़े से मेजर हैं माइनर हैं अब सी एन एस फार्मोकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अब जो ड्रग्स होती है सी एन एस फार्मोकोलॉजी या जो सी के ऊपर जाके एक्ट करती है तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं अब चूंकि सी में जाने के लिए ड्रग्स को एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर तो ये जो ड्रग्स होती हैं इन ड्रग्स की लिपोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है लिपोफिलिक होती है हाइड्रोफिलिक यानी पुअर हाइड्रोफिलिक होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक या लिपिड सालोबल होती है लिपोफिलिक होती है इन ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली ओरली की जाती है और और जनरली देखा जाए तो जो सी एन एस के ऊपर जो एक्ट करती है ड्रग्स इनको दो में डिवाइड करते हैं सी एन एस डिप्रेसेंट और सी एन एस स्टीमुलेंट लेकिन जो सी एन एस स्टीमुलेंट होते हैं उनका क्लिनिकल यूज़ रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू सी एन एस डिप्रेशन मतलब ऐसी दवाइयाँ या ऐसी ड्रग्स जो सी एन एस के एक्टिविटी को डिप्रेस कर रही है उनका क्लिनिकल यूज़ या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन या उनका यूसेज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ड्रग्स विच स्टीमूलेट सी एन एस एक्टिविटी आपको यहाँ से एग्जाम्पल दे देता हूँ तो येटिव ये, हिपनोटिक सी एन एस डिप्रेशेंट है अल्कोहल सी एन एस डिप्रेशन है एंटीजर ड्रग्स सी एन एस की एक्टिविटी को कम कर रही है जनरल अनर्थीजिया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लोकल में लोकलाइज जगह के ऊपर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के पेरिफिल टिश्यू में स्केलेटल मसल के ऊपर इन्फॉर्मेशन को कम कर देना पारिकिंसन के अंदर डोपामिन को देना एंटी साइकोटिक के अंदर क्या करना एंटी साइकोटिक के अंदर हमने जो एक्सेस डोपामी है उसको ब्लॉक कर देना तो यहाँ पे स्टिमुलेंट आना स्टार्ट हो जाएगा एंटी साइकोटिक के अंदर एंटी डिप्रेशन के अंदर बाकी आपको सी एन एस डिप्रेशन देखने को मिलेगा इसका मतलब जो सी एन एस डिप्रेशन होते हैं उनका क्लिनिकल यूज़ या इनका थेरारोपेटिक यूज़ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सी एन एस स्टीमुलेंट तो डिप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टिमुलेंट बस इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है लेकिन ज़्यादा यूज़ होता है डिप्रेशन का एज कंपेयर टू सी एन एस स्टीमुलेंट ठीक हो गया तो ये तथा सी एन एस फार्माकोलॉजी का बेसिक ओवरव्यू ड्रग्स डेट एक्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए ये चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वाले हैं ठीक हो गया और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो उसके माइनर चैप्टर्स हो गए तो आपने इसे को इसी हिसाब से देखना होगा बाकी यहाँ से एक ऐसे क्यों आना है और एक ही ऐसे क्यों आना ए एन एस से अगर आप इसको ए एन एस से कंपेयर करते हो तो ए एन एस के अंदर आपको पांच चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं तकरीबन ट्वेल्व से थर्टीन चैप्टर्स हो गया अब वहाँ पर आपको पांच चैप्टर से कैसे क्यों आ रहा है और यहाँ पे ट्वेल्व से लेकर थर्टीन चैप्टर से कैसे क्यों आ रहा है तो आपने इसको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको ठीक हो गया कि जो चैप्टर्स मैंने आपको हाईलाइट करवाया आप इसको अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट कर लेना क्योंकि इन्हीं चैप्टर से मेजर ऐसे क्यों आ रहा है और जो बाकी चैप्टर्स हो गए उनको हम सिलेक्टिव करेंगे और इनकी वीडियो और हर चैप्टर के ऊपर वीडियो गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंप्लीट कंसेपचुअल वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी अब आपकी ज़िम्मेदारी क्या होगी आपकी ज़िम्मेदारी बस छोटी सी ये है कि आपने क्या करना पड़ेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि आप सी एन एस फार्माकोलॉजी की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड हो या नहीं हो और एक और बात के जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं बल्कि इसी वक्त मैं शूट कर रहा हूँ तो वह इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी में क्योंकि अगर हम पंखा पंखा जिसको फैन कहते हैं उसका यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से वीडियो के अंदर इतना ज़्यादा शोर आ जाना है और आप कहोगे कि आवाज़ से इतना नहीं आ पा रही और आप ये देख सकते हो हाँ कि मेरे हाथ पे कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है तो इसी स्वेट का ही ख्याल रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक हो गया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें आपको मैं सी एन एस फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन सीरेटिव इपनोटिक ड्रग्स इनके ऊपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँगा कि इनको अपने किस तरह से करना है ठीक हो गया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को सब्सक्राइब ना करना बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़